हाय, माय नेम इज़ प्रतीक एंड आई एम प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉगीज़ को हाथ से खाना देना होता है कि नहीं देना होता है। तो रिसेंटली एक कैफ़े में मैंने विज़िट करा और वहाँ पे एक डॉगी को मैंने अपने हाथ से खिलाया, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि प्रतीक, के डॉगी को अगर हाथ से खाना खिलाएं तो अग्रेसिव तो नहीं होते? काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पहले भी ये पूछा हुआ है और मैंने ऑनलाइन भी बहुत जगह पे देखा था जहाँ पे मेंशन करा था कि डॉगी को हाथ से खाना नहीं देना है, किचन में एंट्री नहीं देनी होती। ये सब रूल्स जो हैं वो मुझे समझ तो नहीं आया आज तक, क्योंकि मैंने तो अपने सारे डॉग्स को बेड पर सुलाया, सबको हाथ से खिलाया और जो जितना मैं पैम्पर कर सकता था उतना मैंने पैम्पर करा। और मेरा डॉगी कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मैं बोलूं कि जिसने मुझे बहुत परेशान करा है, मेरी फैमिली को परेशान करा। इट डिपेंड्स हाउ यू रेज योर पपी। सकते हो, अगर आपका डॉगी पूरा दिन में कोई आपकी बात नहीं मानता है, फिर आप उसको इस तरीके से हाथ से खाना खिलाते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि उसको खाने की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो कल को आपको उसको खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आप फिर ढूंढेंगे कि उसको खाने को क्या देना है। कभी आप पनीर देंगे, कभी चिकन देंगे, कभी रोटी देंगे, कभी राइस देंगे, कभी डॉग फूड देंगे। तो अगर उस टाइप का आपका डॉगी है तो आपको उसको पिकी ईटर नहीं बनाना है, उसको हाथ से नहीं देना।